मित्तल, आई एम चेयरमैन ओएनजीसी। ओएनजीसी इज द नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ इंडिया। वी आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड गैस। ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही इनिशिएटिव है, और यहाँ और आसपास के जो थोड़े से पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पे कि कोचिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर उन बच्चों के परिवार वाले उनको कोचिंग में एनरोल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए है। और इसमें हम लोग फीस तो नहीं चार्ज करते हैं, बल्कि जो फैकल्टी आती है, जो जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, वो बाहर से आते हैं, आके इस इधर साथ में रह के बच्चों को पढ़ाई के नए नए ट्रिक्स सिखाते हैं, जिससे कि बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो एफर्ट हमारा यही रहता है कि बच्चों को अवसर मिले, बच्चों के अंदर पूरी अंदर से कॉम्पिटेंस है, उनके अंदर वो हुनर है, पर उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे। वो ऐसे ही कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए, थोड़ा सा उनको टेक्निक सीखनी होती है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप अच्छा कर पाएंगे कंपटीशन में। ये एफर्ट जब हो जाता है साथ में, बच्चों की तरफ से तो पूरे मेहनत लगती ही है, एफर्ट तो असली बच्चों का है, हम लोग तो थोड़ा सा उनको पुश करते हैं, और उससे हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर पाते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ के आगे बढ़ पाते हैं। आज जब हम कुछ बच्चों को देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी मेडिकल के सेकेंड ईयर में हैं, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, या और प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, तो हमको पता लगता है कि जो हम लोगों ने जिस तरह से ये इनिशिएटिव आगे बढ़ाया, ये सफल हुआ है। और आगे भी मैं ये कामना करूंगी, और भगवान से, ईश्वर से और ऑलमाइटी से प्रे करेंगे कि बच्चों के लिए अधिक से अधिक अवसर आए, उनको अधिक से अधिक सफलता मिले और वो आगे बढ़ते जाएं। एक साल में 30 बच्चों के लिए इंतज़ाम किया जाता है, वो रहते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, उनका पूरा सारा सपोर्ट जो उनके लिए होता है, खाना, रहना, वो सब यहाँ पे सेंटर पे प्रोवाइड किया जाता है। CSRL को काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी आप कितने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सो वी कितने आर रनिंग सुपर 26 सेंटर्स। ट्वेंटी सिक्स ओएनजीसी इज सेंटर चला रहे वन। हैं? सो आई एम मीनाक्षी शाही, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट CSRL। वी थैंक एंड वेलकम मैडम फॉर विजिटिंग दिस ब्यूटीफुल वैली, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली थैंक हर फॉर द ब्यूटिफुल इनिशिएटिव शी हैज़ टेकन फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स ऑफ द वैली, शेपिंग देयर फ्यूचर फॉर अ वेरी नोबल कॉज। दे विल एंटर अ फील्ड ऑफ मेडिकल, यू बिकमिंग डॉक्टर्स एंड एंटरिंग टू द सर्विस ऑफ द नेशन। सो आई वुड वॉन्ट मैम टू स्पीक मोर ऑन द प्रोजेक्ट। वी एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ CSRL थैंक हर फॉर द ब्यूटिफुल जेस्चर। बताएं, मेरा नाम उवैस अहमद है। उवैस कहाँ से हैं आप? मैं गांधरबल से। उवैस, ये बताएगा कि आप पिछले एक साल से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हम बहुत खुद को लकी फील कर रहे हैं कि हमारी यहाँ सिलेक्शन हुई थी, और हम इस सेंटर को, इस इनिशिएटिव और इस इंस्टीट्यूट को एज अ ब्रिज मानते हैं, जो जिस ब्रिज ने हमें किसी मुकाम तक पहुंचाया है, और यहाँ पे जो भी हमने सीखा है उसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़े हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आगे और मेहनत करके हम इंशाल्लाह इससे ज़्यादा कुछ हासिल करेंगे। वैसे बताएगा कि कितना फीस लिया गया है आपसे अभी तक? एज यू ऑलरेडी नोन कि ये जो सेंटर है, यहाँ पे बच्चों को फीस की वजह से एंटर नहीं किया जाता है। पहले तो यहाँ पे टेस्ट दे के उसके बाद फिर इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे किसी बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, और सिर्फ उसकी काबिलियत पे नहीं बल्कि उसके जो घरेलू हालात है उनको भी मद्देनज़र रख के यहाँ पे एक तालिब इल्म को मौका फराम किया जाता है। तो फ़ी वगैरह कितना लेते हैं? बिल्कुल कोई फ़ी नहीं, बल्कि यहाँ पे जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो सब हमें फराम की जाती है,
from you know rooms to class everything is available here. तो पढ़ाई कैसी होती है, स्टडी की बात है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टडी, तो कैसी होती है यहाँ पे स्टडी? जो यहाँ पे होती है वो टीचर्स के साथ रह के होती है, वो दिन हो या रात वो टीचर्स हमारे साथ ही होते हैं और हम किसी भी वक्त किसी भी टाइम उनके उनसे जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं और क्लासरूम भी यहीं पे होता है और सब कुछ यहीं पे होता है. आपके पीछे आपके जूनियर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है आपसे उनको, क्योंकि आपने देखे हैं यहाँ की क्लासरूम स्टडी आपने की है यहाँ पे, तो क्या अनुभव देंगे आप और क्या कहना चाहते हैं आप? या वन थिंग आई वांट टू से इज़ कि हैव पेशेंस. ये जो यहाँ पे आप आए हो ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जहाँ पे आप यू नो कोई बंदा ऐसा है कि वो नॉन सीरियस है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है. उसके साथ साथ यहाँ पे पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट होती है, यहाँ पे ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते और ज़्यादातर पढ़ाई के साथ ही खुद को कनेक्ट करना पड़ता है. सो हैव पेशेंस पहली बात, और इंसान कभी कभी लो भी फील करता है तो उस वजह से खुद को यू नो हार नहीं माननी चाहिए, बट इंसान को हमेशा कदम आगे बढ़ानी चाहिए और एक पुरउम्मीद सा रहना चाहिए. थैंक यू.